कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकने की मुहिम में सरकार के साथ साथ विप्र फाउंडेशन भी आगे आकर मदद में जुटा है। फाउंडेशन प्रदेश भर में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए 7 लाख कपड़े के मास्क वितरित भी कर रहा है, साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रहा है। विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने इसकी शुरुआत जयपुर जिला कलेक्ट्रेट से की, जहाँ पदाधिकारियों ने मुख्य सचेतक के साथ पहुंचकर जिला कलेक्टर को 3,500 कपड़े के मास्क सौंपे। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसे मुख्य रूप से जागरूकता और सावधानी से ही रोका जा सकता है, इसलिए विप्र फाउंडेशन ने पूरे प्रदेश में मास्क वितरण करने का बीड़ा उठाया है, जिसमें विप्र फाउंडेशन की महिला विंग का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जयपुर जिलाधीश महोदय को जोगाराम जी को आज ये 3,500 करीब मास्क जो है ये वितरित किए। सूती कपड़े से बने हुए मास्क हैं, ये वॉशेबल हैं, इनके बार बार इनको यूज किया जा सकता है। विप्र फाउंडेशन के हमारे विनोद अमन जी ने, राजेश कर्मल जी ने, मिसेज सुनीता शर्मा जी ने, मिसेज अमन ने और हमारे चिराग शर्मा ने, ये 5 लोगों का डेलीगेशन आया। पूरा इन्होंने ध्यान रखा इस बात का कि धारा 144 का पालन हो। विभिन्न तरह के जो भामाशाह और दानदाता संस्थाएं आगे आ रही हैं, और चाहे मास्क और सैनिटाइजर को लेकर के भी है या राशन को लेकर के है, उन सबका कोऑर्डिनेटेड वे में एक लिस्ट बना करके सर्वे करके उनको वितरण किया जा रहा है। आज यहाँ विप्र फाउंडेशन ने अभी इस बैठक के तुरंत पश्चात भी ये मास्क का वितरण किया है। इसी तरह से और भी कई संस्थाएं आगे आ रही हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये कोरोना विश्वव्यापी बीमारी हो चुकी है, और पूरे देश में ही नहीं, राजस्थान में अभी तो अपने जयपुर में इसने अपने पांव पसारने चालू कर दिए। सरकार अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही है, लेकिन सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक कि सामाजिक संस्थाएं या आम व्यक्ति इसके साथ में जुड़ेगा नहीं। इसी भावना को मद्देनज़र रखते हुए विप्र फाउंडेशन ने ये निर्णय लिया कि क्यों न इस बीमारी के खिलाफ हम भी हमारी भागीदारी निभाएं, और हमने 7 लाख ये जो मास्क है ये 7 दिन में डिस्ट्रीब्यूट करने का एक प्रण लिया, जिसके चलते हमने आज कलेक्टर साहब को प्रतीकात्मक रूप से लगभग 3,500 ये जो मास्क हैं ये दिए हैं। महिला शाखा पास में सबको सिलाई वालों को बिठा के उनको कपड़े से या खुद भी सिल के उनको मदद करती है, ताकि जल्दी से जल्दी बने और बाहर जाएं और बटें, सबको टाइमली चले जाएंगे तो ठीक, जल्दी ज़्यादा प्रिकॉशन मिलेगा उनको, और महिलाएं जुड़ेगी तो सारा परिवार जुड़ पाएगा, ऐसा हमारा सोचना है। सारा राज्य जुड़ पाएगा, तो महिलाओं का योगदान सबसे सराहनीय रहना भी चाहिए और होना भी चाहिए। मैं सुनीता शर्मा, महामंत्री राजस्थान विप्र फाउंडेशन से।